चैनल। गाइस आज मैं अपनी गाड़ी अर्बन क्रूजर में एक नई एक्सेसरी लगवाने जा रहा हूँ और आप सबको ये एक्सेसरी बहुत पसंद आएगी। मुझे ये एक्सेसरी बहुत टाइम से चाहिए थी बट कंपनी के पास ये आउट ऑफ स्टॉक थी, मुझे मार्केट में मिल रही थी बट मैं इसको मार्केट से लगवाना नहीं चाहता था और मैं आपको इसका रीज़न बताऊँगा कि मुझे मार्केट से क्यों नहीं लगवानी थी और ये एक्सेसरी क्या है मैं आपको शोरूम चल के बताऊँगा। तो चलो शोरूम चलते हैं और फिर बात करते हैं कि वो एक्सेसरी क्या है, कितने की है और मैंने बाहर से क्यों नहीं लगवाई। तो चलो शोरूम चलते हैं साथ में और देखते हैं क्या है ये एक्सेसरी। तो यार फाइनली मैंने अपना फ़ोन सेट कर लिया है। मैंने अब गाड़ी के लिए ना स्पेशली एक वो ख़रीदा फ़ोन होल्डर और ये डैशबोर्ड पे आ गया है ये, मैं आपको इसकी भी फिटिंग दिखाऊंगा। अब थोड़ा व्लॉगिंग जब कर रहे हैं तो थोड़ा सेटअप तो सही होना चाहिए ना यार। फिर तो अभी हम जा रहे हैं गैलेक्सी टोयोटा मोती नगर और ये देखो यार फ़ोन कैसे हिल रहा है क्योंकि ये डैशबोर्ड पे है ये वाला मेरा स्टैंड और वैसे शीशे पे होना चाहिए। मुझे भी ये फील हो रहा है कि ये वीडियो बनाने के लिए ना इतना स्टेबल वीडियो नहीं बनेगा इस पर और बेटर यही है कि मैं इस वाले को हटा के ना ग्लास पे लगाने वाला फ़ोन होल्डर लाऊं, इससे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो चलो यार अब हम जा रहे हैं गैलेक्सी टोयोटा मोती नगर। वहीं से मैंने एक गाड़ी ली थी और जो एक्सेसरी जो ये है ये पार्ट ये भी मुझे यहीं पे अवेलेबल होगा और मुझे सुबह इनके एग्जीक्यूटिव्स का कॉल आ गया था कि आपकी एक्सेसरी रेडी है, आप जब भी आओ आके लगवा लो। तो चलो चल के देखते हैं कि ये एक्सेसरी क्या है और ये कितने की है। यार ये ना एक चीज़ होती है गाड़ी में, हर थोड़े टाइम बाद अगर थोड़ा थोड़ा पैसा खर्चते रहो ना तो गाड़ी के साथ मन लगा रहता है, आपका मन नहीं करेगा कि मैं गाड़ी बदलूँ, न्यू गाड़ी है इसको क्या करना है बदल के। तो छोटा छोटा मॉडिफिकेशन ज़रूरी है गाड़ी के लिए, गाड़ी सुंदर भी लगती है और आपका मन भी लगा रहता है कि यार अभी गाड़ी में खर्चा किया है। छोटा छोटा खर्चा, आप इकट्ठे सब कुछ मत करो, आपको जो मॉडिफिकेशन करानी है आप धीरे धीरे कराओ, उससे क्या आपकी गाड़ी भी रेडी हो जाती है और एक ही बारी में आपको काफ़ी सारा पैसा भी नहीं लगता। तो मेरा तो यही है, जो काम की चीज़ें होती हैं वो इमीडिएटली लगवा ली, उसके बाद छोटा मोटा चलता रहता है। ये भी नहीं कि आप गाड़ी लेने के 2 साल बाद चीज़ें करवा रहे हो, उतने में इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, फिर लगता है यार गाड़ी वैसे ही पुरानी हो गई है, क्या पुरानी गाड़ी पे पैसा खर्चूंगा। छोटी मोटी एक्सेसरी डलवाओ जब रिक्वायर्ड हो और छोटा मोटा इसको अपग्रेड करते रहो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार फाइनली हम पहुंचने वाले हैं ये कीर्ति नगर, तो पहुंच गया हूँ, ये टोयोटा का शोरूम आ गया है और यहीं पे हमने गाड़ी लेके जानी है। ये आ गया टोयोटा का सर्विस। यार एक्सेसरी लगवानी है, कोई एक्सेसरी लगवानी है, एक्सेसरी आगे वाले उन्होंने यहाँ बुलाया विक्रम जी ने। हाँ हाँ हाँ, तो ये देखो यार ये हमारी क्रोम की ग्रिल थी जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। ये टोयोटा पे खड़ा हूँ मैं और टोयोटा की जेन्युइन हम लगा रहे हैं और ये भैया ने पूरा इसको अभी साफ करा है और साथ में केमिकल लगा के लगाएंगे। तो ये देखो देखो दिक्कत तो नहीं आती ना इसके चिपकने में, तभी हम कंपनी से भी काम करा रहे हैं कि कंपनी का काम फिर कंपनी का ही होता है। मोर ओवर यार क्या है, अगर मैं बाहर से लगवाता ना ये ग्रिल तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि क्रोम का पार्ट है ये काला पड़ जाता है। मुझे बाहर से आफ्टर मार्केट ही मिल रही थी बट मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था मैं बाहर से लगवाने के लिए। क्रोम एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंपनी से लगवानी चाहिए और देखो गाड़ी की पूरी लुक ही बदल जाएगी, अभी आप देखते जाओ क्या होता है गाड़ी के साथ। हमारे को इसमें यहाँ भी क्रोम मिल रहा है, यहाँ भी क्रोम है, तो साथ में पूरा का ना पूरा आपस में जस्टिफाइड हो जाएगा और गाड़ी की लुक बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एक बार लग जाए फिर हम देखते हैं कैसा लग रहा है। सबसे बड़ी बात कंपनी का क्रोम है, ताला पड़ेगा ही नहीं है, पूरा मैचिंग हो गया। ये क्रोम आ गया ये वाला, ये ऑलरेडी हमारा क्रोम है, साथ में ये और लग गया, लुक इसकी बहुत मेहनत हो जाएगी। साथ में वैसे ही मेरी गाड़ी का कलर है सिल्वर।
ये देखो यार कुछ ऐसी लग रही है, अरे बहुत ही प्यारी लग रही है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास ये गाड़ी है तो ये क्रोम बिल्कुल लगाओ, आपकी गाड़ी का ना नेक्स्ट लेवल लुक निकल आएगी। और ये कंपनी से मुझे कुछ कॉस्ट करा है अराउंड 2200, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये और बहुत अच्छी चीज़ है, और कंपनी से ही लगवाना, और आमतौर पर आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है। नहीं, ये कंपनी से ही लगवाया था कैमरा जब मैंने ये गाड़ी ली थी, तो इसमें ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक तो एंगल इसका मेरे को ठीक नहीं लग रहा, दूसरा ये देखो मैं गाड़ी का गेट खोला है, गाड़ी का गेट बंद करूंगा ना कैमरा शेक कर रहा है, ये देखो। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट यार मैं गाड़ी के मामले में बहुत पर्टिकुलर हूँ। ये देखो शेक करता वो साफ साफ दिख रहा है, ये देखो। तो भैया कुछ कह रहे हैं कि इसमें एक पेच होता है वो निकल गया है, तो उस पेच को लगाएंगे और होपफुली ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। है छोटी सी चीज़ यार बट प्रॉब्लम क्यों हो ना, मेरा देखो सिंपल फंडा है गाड़ी के मामले में, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। चीज़ ख़राब होने से पहले उसको ठीक करा दो, अभी छोटी मोटी चीज़ ख़राब होगी कल को पूरा कैमरा चेंज हो जाएगा, तो कोई पॉइंट नहीं है उस चीज़ का। तो ये देखो यार ग्रिल कुछ ऐसी लग रही है और गाड़ी की पूरी लुक ही चेंज हो गई है इस ग्रिल की वजह से, बड़ी एग्रेसिव सी और बोल्ड बोल्ड सी लग रही है गाड़ी। और ये क्रोम की ग्रिल है, ये देखो यार ये जो ग्रिल है ये आपको टॉप मॉडल में भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि टॉप मॉडल में भी ये वाली ग्रिल नहीं आती, और टॉप मॉडल में नॉर्मल वही रहता है जैसे मेरा था। ये एक एक्सेसरी का पार्ट है जो आपको कंपनी से ही मिलेगी, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि चलो गाड़ी में बैठ के आगे की बात करते हैं। ग्रिल है ना ये आफ्टर मार्केट से भी आप मत लगवाना, आफ्टर मार्केट में आपको मिल जरूर जाएगी, मैंने भी पता करी थी करोल बाग मार्केट में। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, जो आफ्टर मार्केट में जो क्रोम का जो भी पार्ट आप लगवाओगे ना वो आने वाले टाइम में काला पड़ जाएगा। मुझे मिल गई थी बट मैंने नहीं लगवाई क्योंकि काली पड़ जाए यार क्या फ़ायदा उस चीज़ का। मैंने 6 महीने वेट करा है, मैंने कंपनी में ऑर्डर लिखवाया हुआ था गैलेक्सी टोयोटा में, 36 टोयोटा में, एसपी टोयोटा में। 6 महीने के बाद मुझे गैलेक्सी टोयोटा से फ़ोन आया कि ये ग्रिल अवेलेबल है और 2 ही पीस आए हैं, आके लगवा लो फटाफट से। उसी दिन मैं गया ग्रिल लगवा के आया। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे पड़ी कितने की है, तो ये देखते हैं बिल। यार ये कुछ पड़ी है मेरे को 2236 की। तो देखो यार 2236 में हमारे को कंपनी की जेन्युइन चीज़ मिल गई जिसकी वारंटी भी है, अगर ये उतर जाती है विद इन 1 साल तो कंपनी वाले इसको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वापस से ठीक करके लगा के देंगे। तो मेरी सजेशन आपको यही है कि अगर आपको ग्रिल लगवानी है आप कंपनी से लगवाओ, आफ्टर मार्केट मत जाना। क्योंकि देखो जो चीज़ें आफ्टर मार्केट से होने वाली हैं वो मैंने आपको खुद ही बता दिया, जो आफ्टर मार्केट नहीं करनी चाहिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंपनी से ही लगवानी चाहिए, और आफ्टर मार्केट जो भी काम करना है वो तो आपको पता ही है कहाँ जाना है फिर। तो ये एक मस्ट अपग्रेड है, इससे गाड़ी की शक्ल बिल्कुल ही बदल जाएगी। और दूसरा है, मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी ना मेरे कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है, ये देखो यार कैमरे में अभी भी दिक्कत आ रही है, ये इसका एंगल अभी भी सही नहीं है। अब मैं कंपनी गया था तो उनके पास वो जो नट लगता है ना, नट निकल गया है कैमरे में से, वो इनके पास है नहीं। तो अब मैं वही जाऊंगा अरुण भैया के पास करोल बाग, और अरुण भैया से नट लगवा के कैमरे को फिक्स करवाऊंगा। यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या ये मॉडिफिकेशन का पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल विल ग्रो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।